बस सब्सक्राइब कर दो यार। और अब सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, और आप जो इमेज भेजते हैं व्हाट्सएप में या फिर कोई भी GIF, तो फिर एक्चुअली जैसा हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन में वो HD क्वालिटी में होता है, और फिर जब जिस इंसान को हम भेज रहे हैं उसे HD में नहीं मिलता, तो फिर हमें लगता है कि HD में मिला है क्योंकि हमारे फ़ोन में वो पहले से सेव है। लेकिन जब वो आदमी उसे डाउनलोड करता है तो वो KBs में जाता है और MB में होता है हमारे फ़ोन में, इतना कंप्रेस हो जाता है कि क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। और दूसरी चीज़, हाँ, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं जो उठते बाद में और फिर मैसेज पहले भेज देते हैं, वो गुड मॉर्निंग वाला। तो फिर आप चाहते हैं अगर वो डाउनलोड ना हो, क्योंकि रोज़ देख देख के हम बोर हो जाते होंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसे डाउनलोड होने से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो फिर चलिए इंट्रो लगाता हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको जाना है व्हाट्सएप में, और फिर व्हाट्सएप में जाने के बाद आप सबको कोई भी, जैसे आप इमेज भेजते हैं, जैसे मैंने ये इमेज भेजी तो यहाँ ये क्लियर दिख रही है, लेकिन जब उस आदमी के पास पहुँचती है तो फिर इतनी क्लियर नहीं होती जैसा हमारे फ़ोन में दिखता है। तो फिर आपको अटैचमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और गैलरी नहीं, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ ऊपर ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, और फिर जो भी फ़ोटो है आपकी आप वो भेज दीजिए। तो मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी या फिर किसी और चीज़ की, तो चलिए मैं एप्पल का लोगो ही भेज देता हूँ। तो फिर ये जो चीज़ मैंने भेजी है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ये उस आदमी को एक HD दिखेगी जैसे हमारे फ़ोन में दिख रही है। तो चलिए मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ। तो फिर आप सभी को डेटा एंड स्टोरेज यूजेज में आना है, और जो मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑप्शन है उस पर जो ये टिक होगा उसे अनटिक कर देना है। जैसे ये सब टिक होंगे तो ऐसे अनटिक कर देना ताकि आपका डेटा वेस्ट ना हो, और फिर ऐसे आप ज़्यादा डेटा बचा सकते हैं। तो फिर तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और फिर चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।